हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड की सेकेंड ईयर की डेट शीट 2023 की। आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है, आप सबको मिल भी गई होगी, तो यहाँ पे ये पूरी डेट शीट लिखी हुई है। आपके एग्ज़ाम जो है वो 21 अप्रैल से शुरू होंगे और 19 मई को आपका लास्ट एग्ज़ाम है। 21 अप्रैल को आपका फ्राइडे पड़ रहा है और 19 मई को भी आपका जो है फ्राइडे ही है, तो फ्राइडे से लेके फ्राइडे तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। लगभग एक महीने के एग्ज़ाम आपके चलने वाले हैं। तो सबसे पहला पेपर कौन सा है आपका? साइकोलॉजी का, जो कि 21 तारीख को है। देन फिलॉसफी 24 तारीख को है। सीपीई 26 अप्रैल को होगा। एसएलएम 28 अप्रैल को। देन उसके बाद आपका मई का मंथ शुरू हो जाएगा। तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, ये तीनों ही लैंग्वेज के पेपर 1 तारीख को है, तो जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे 1 मई को। इंग्लिश का पेपर 3 मई को, फिर मैथ्स का पेपर आपका 6 मई को होगा। देन सोशल साइंस एजुकेशन जो पेपर है वो 9 मई को होगा। देन साइंस का पेपर 11 मई को। उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल का पेपर 15 मई को और वर्क का पेपर 17 मई को और आर्ट का पेपर 19 मई को। तो ये सारे जो डेट शीट है आपको पता चल गई होगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया या आपको अपने इंस्टीट्यूट से नहीं मिली है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपके पास 10 दिन बचे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना। करना क्या है, सबसे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर पहले से ही चैनल पे है तो आपको पता होगा प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स की वहां प्लेलिस्ट पे जाकर लगभग 30, 40, 50 मिनट तक की ही वो प्लेलिस्ट है, तो आपको सारी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। साइकोलॉजी की सारी यूनिट मिल जाएगी, मैथ्स की मिल जाएगी और अदर सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपको पढ़ना कैसे है, मतलब जब आप पढ़ लोगे सारा, उसके बाद आपको मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दीदी या मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेसिकली कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस है पिछले 5 साल को उठा लो, उसमें जो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं वही आपके पेपर में रिपीट होंगे, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। अब प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले चैनल ज्वाइन कर लो और फिर सारे पेपर डाउनलोड कर लो और पेपर को सॉल्व कर लो। साथ ही में जो है आपको एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे वो मिलेगी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं और वहाँ से भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, हर पेपर के बीच में कुछ ना कुछ गैप मिला है तो उस पेपर में दूसरा पेपर का प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो उसी पेपर की करनी है प्रिपरेशन। और पहले, उससे पहले कोशिश करो कि 18 से पहले जितने भी पेपर हैं उनके प्रिपरेशन कर लो। 18 के बाद 19, 20 को आप अपने साइकोलॉजी करना, फिर सब्जेक्ट वाइज कर लेना। और एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर आपने अभी तक एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके वो जरूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा पेपर को किस तरह से लिखना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है और कितना टाइम देना है, इससे टाइम मैनेज हो जाएगा। ये हो गई सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करेंगे और साथ ही में अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो भी अभी एग्जाम की प्रिपरेशन करे और जिनके एग्जाम्स पास में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।